भारत में कोरोना वायरस की वैक्सीन के विकास में वैश्विक दिलचस्पी को देखते हुए दुनिया को इससे अवगत कराने की पहली पहल की है। इसके तहत दिल्ली से 64 देशों के राजदूत, हैदराबाद स्थित प्रमुख जैव प्रौद्योगिकी कंपनियों भारत बायोटेक एवं बायोलॉजिकल ई पहुंचे। उन्हें भारत बायोटेक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डॉक्टर कृष्णा एला द्वारा ब्रीफ किया गया। बायोटेक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक द्वारा राजदूतों को बताया गया कि 33% वैश्विक वैक्सीन जीनोम वैली में उत्पादित की गई है। इसी दौरान प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि वैक्सीन मानवता के लिए उपलब्ध होगी और हैदराबाद में सबसे बड़ी FDA द्वारा स्वीकृत वैक्सीन सुविधाएं हैं। सरकारी सूत्रों ने बताया है कि करीब एक महीने पहले भारतीय विदेश मंत्रालय ने 190 से ज्यादा देशों के राजनयिक मिशनों और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को COVID-19 वैक्सीन के विकास से संबंधित मुद्दों पर जानकारी दी थी। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।